मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी। पतलून तो कब की इंग्लिस्तानी से हिंदुस्तानी हो चुकी है, लेकिन अब जूता भी हिंदुस्तानी होने वाला है क्योंकि अब सैकड़ों साल पुराना सिस्टम बदलने जा रहा है। आप भी जूतों की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और जो साइज आता है उससे परेशान होते हैं। दुकान में आपकी साइज का जूता कभी कभी नहीं मिलता। इस परेशानी की जड़ है फुटवियर साइज को नापने का सिस्टम। क्या आपको पता है कि हम भारतीय जूतों की साइज का सिस्टम यूरोप और अमेरिका का अपनाए हुए हैं? यानी भारतीयों के पैरों के नाप का कोई सिस्टम ही आज तक नहीं बना है। अब चेन्नई स्थित सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के साथ मिलकर पहली बार भारत का अपना फुटवेयर साइजिंग सिस्टम लाने जा रहा है। फुटवेयर साइज और फिटिंग का मौजूदा पैरामीटर IS 1638-1969 है, जो UK और US के पैरामीटर पर आधारित है। फुटवेयर पैरामीटर पैरों की लंबाई, चौड़ाई और इंटरनेशनल वेरिएशन को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि UK और US के कॉपी किए गए फुटवेयर साइज पैरामीटर भारतीय यूजर्स के लिए हमेशा सही हो, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय लोगों के पैरों की बनावट अलग अलग होती है। हर देश के लोगों के लिए खुद का फुटवेयर साइजिंग सिस्टम होना जरूरी है, क्योंकि जूतों का साइज एथनिसिटी यानी कि क्षेत्रवार, उम्र और जेंडर जैसे फैक्टर से प्रभावित होता है। जैसे बहुत से भारतीयों के पैरों के आगे का हिस्सा चौड़ा होता है लेकिन पैरों की लंबाई कम, ऐसे में सही नाप न मिलने के कारण उनको एक नंबर बड़ा जूता लेना पड़ता है। गलत जूतों का साइज बहुत सी समस्याओं को न्योता दे सकता है, जिसमें पोस्चर डिफॉर्मिटी और चोट लगने जैसी समस्याएं शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर के अलग अलग एथनिसिटी यानी कि क्षेत्र के लोगों की उम्र और जेंडर के हिसाब से पैर का नाप 3D फिट स्कैनर मशीन के जरिए लिया जाएगा। सर्वे में जो डेटा इकट्ठा होगा उसका एनालिसिस कर एक स्टैंडर्ड फुटवेयर सिस्टम लाया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT ने देश के फुटवेयर साइजिंग प्रोजेक्ट के लिए 10.80 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस प्रोजेक्ट में एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे, सांख्यिकीय विश्लेषण और एक भारतीय फुट साइजिंग सिस्टम का विकास किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए द सूत्र।